नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है रामजस। 1917 में राज केदारनाथ जी ने रामजस कॉलेज की स्थापना की थी। इस साल इस कॉलेज के 100 साल पूरे हो गए। उस वक्त हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत का नारा लगाना शुरू कर दिया था। हमें चाहिए आजादी वाला आजकल का नारा तो नहीं था, मगर उस वक्त के हर नारे का यही मतलब होता था कि हमें चाहिए आजादी। अब तो हमें चाहिए आजादी के नारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के नारे हो गए हैं। जो वहां नहीं बोला जा सका, क्या वो यहां बोला जा सकता है? कोशिश करते हैं, प्राइम टाइम को रामजस कॉलेज में बदल देते हैं। आपसे गुजारिश है कि चंद मिनटों के लिए रामजस कॉलेज का छात्र बन जाइए। ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, एलिट माहौल के बीच खांटी मिजाज वाला कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। इस कॉलेज की इमारत रामजस कॉलेज के नाम से पहचानी जाती है। महात्मा गांधी इसके संस्थापक राज केदारनाथ जी के साथ तांगे पर बैठकर आधारशिला रखने गए थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के दूसरे चेयरमैन थे। जिस कॉलेज की इमारत में गांधी और अंबेडकर की खुशबू हो, आप समझ सकते हैं कि उसकी दीवारें विचारों और अधिकारों के बारे में कितना कुछ खुलकर कहती होंगी। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हम समग्र शिक्षा में यकीन रखते हैं, जो पढ़ाई और कौशल में बेहतरी से भी आगे ले जाए। हमारा दर्शन है कि छात्र का बौद्धिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, छात्र अकादमिक और प्रशासनिक अनुशासन से आगे जाकर खुद की तलाश कर सके, एक्सप्लोर कर सके, इसके लिए यहाँ हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। कमाल का कॉलेज होगा ना, जो लिखता है कि प्रशासनिक और अकादमिक अनुशासन से आगे जाकर अपने व्यक्तित्व का विकास छात्र करे। कॉलेज की प्रस्तावना की इसी भावना के तहत 21 फरवरी और 22 फरवरी को सेमिनार का आयोजन किया गया। भावना क्या थी, छात्र एक्सप्लोर करेंगे। आपको सेमिनार का पोस्टर दिखाता हूं। कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, अ सेमिनार एक्सप्लोरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेंट, हिंदी में कहा जाएगा असहमति की संस्कृति। असहमति के प्रतिनिधित्व की तलाश पर एक सेमिनार, यानी असहमतियां किन किन रूपों में हमारे आसपास है। आदिवासी इलाकों में उनके हक की लड़ाई की संस्कृति कुछ और होती है। उसी तरह बेंगलुरु की कपड़ा मिलों से जब बाहर आकर औरतें विरोध करती हैं तो एक नई संस्कृति बनती है। इस तरह से अलग अलग विरोध की संस्कृति बनती चली जाती है। इसी पर सेमिनार था। सोशल मीडिया पर वायरल और हैशटैग के जरिए विरोध की जो नई संस्कृति स्थापित हुई है उस पर बात होने वाली थी। गाली देने वालों के मामले पर भी बात होने वाली थी। हमने काफी प्रगति की है, पहले बोलकर गाली देते थे, अब लिखकर भी दे रहे हैं। समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ने वालों को अपनी विरोध की संस्कृति है उनकी। अलग अलग मसले हैं और चुनौतियां हैं उनकी। इस पर आप विक्रमादित्य को सुनते तो कितना कुछ जान पाते। सुमंगला दामोदरन को आप अगर कविता और नाटकों के जरिए विरोध की संस्कृति पर बोलते सुनते, पुराने गीतों को गाते सुनते, तो इस एक सेमिनार के बारे में, इस एक सेमिनार से मैं आपको कह सकता हूं कि टीवी पर चलने वाले तमाम फटीचर कार्यक्रमों से कहीं ज्यादा आप बेहतर होते। छात्र सुनकर पहले से बेहतर महसूस करते कि उन्होंने कुछ जाना है। सेमिनार जैसा सोचा गया था उस तरीके से तो नहीं हुआ, मगर रामजस कॉलेज में विरोध की वो संस्कृति देखने को मिली जो सेमिनार के विषय सूची में नहीं थी। सवाल सिलेबस से बाहर का आ गया। बिना हमारी टिप्पणी के आप इन मंजरों को सुनिए, देखिए। हो सकता है कि तस्वीर का कोई दूसरा पक्ष भी हो जो हम दिखाने जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे पास नहीं है। I know that it's not necessary. For you to expect from the police that they give us security. If the police is
coming into the hall and telling us that things might go out of control, which nobody might be able to control. Why can't they stop stone painting? I don't know how we can carry on. I mean, there's only one exit in this room. और क्या आप सेफ्टी का मतलब जानते हैं? हमें आप वहाँ से बता रहे हैं कि हम भागे? सेफ्टी ने अपना आपसे समझ नहीं होती हमें। अच्छा, आपको बहुत बहुत ज्यादा समझ है। नहीं जा, हम नहीं जाते। तो आपने ये तस्वीरें देखी, कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर जो लड़के लड़कियां किस तरह से पहुंचे, घिर गए, इसकी लंबी और भयावह कहानी है दोनों तरफ से। मैं वैसे भी घटना के सभी पहलू की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को यहां रख रहा हूं जो मीडिया में जिनके बारे में रिपोर्ट हुई है। हो सकता है कुछ चूक हो जाए, कुछ बातें रह जाए। बहरहाल, इतना आसान नहीं है कि छात्रों को खुलकर मीडिया के सामने आना उनके लिए। फिर भी कई छात्र सामने आए हैं, उन्हें पता है कि बाद में जब वे अकेले पुलिस थाने बुलाए जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा। रामजस के एक छात्र ने बताया कि अपने ही कॉलेज से पुलिस चोर की तरह उन्हें निकाल कर ले गई और जिन पे शक था कि वे मारने वालों में शामिल हैं, बाहर खड़े होकर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। क्या इस मौके पर पुलिस बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी? कई छात्र छात्राओं का आरोप है कि पुलिस ने एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को उत्पात मचाने की खुली छूट दी। एबीवीपी के छात्र कहते हैं कि उन पर भी हमले किए गए, छात्रों पर लाठी चार्ज की गई पुलिस की तरफ से, लड़कियों के साथ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की, ये सब आरोप लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मॉरिस नगर थाने के बाहर कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनकी वर्दी पर नेम प्लेट तक नहीं था। छात्रों और पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस ने एक वेबसाइट की एक महिला पत्रकार को भी बचाया है और पुलिस पर पत्रकारों के पीटने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीटा है, 25 लोगों की मेडिकल हुई है जिन्हें चोट आई है, 6-7 पुलिसकर्मी भी है, मगर ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं, प्रोफेसर हैं, एक महिला शिक्षिका को भी मारा गया है। इन सब बातों को लेकर छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SB के सिंह ने प्रदर्शनकारियों के बीच आकर बात की। उन्होंने पुलिस की गलती मानी और कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा जांच के बाद कार्रवाई होगी। जांच करने का काम क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। कल पहली बार हमने कैंपस में नहीं देखा, ये पहले भी देखते आ रहे हैं कि इस माहौल में एबीवीपी के जो गुंडे हैं और पुलिस में कोई फर्क नहीं था। हम एक तरफ से गुंडों से भाग रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस वाले सिर्फ देख रहे थे, कोई किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। हमारे कॉलीग है प्रशांत चक्रवर्ती, उनको स्टाफ से उनका गला घोटने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस वाले बिल्कुल वहाँ पर खड़े थे और कुछ नहीं कर रहे थे। हम चाहेंगे कि आप हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें और आप अपना जितने लोग कंप्लेंट्स, हर एक कंप्लेंट पे अलग अलग FIR का प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि यदि एक घटना घटती है तो हम उस पे आपकी बात पूरी सुनेंगे, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस पे हम जरूर करेंगे, ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। आप कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमारी पूरी सहायता दीजिए,
सर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो तब शुरू होगी ना जब FIR पहले दर्ज होगी। आप FIR ही नहीं दर्ज कर रहे हैं। इस सिंपल सी डिमांड का जो रिजल्टेंट हुआ वो ये हुआ कि हम पे लाठी चार्ज, ब्रूटल लाठी चार्ज किया गया। तो पुलिस ने अपनी गलती मानी है तो मानकर चलना चाहिए कि बहुत बुरा होने के बाद भी ये कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन वो शिकायतकर्ताओं से ही जांच में मदद की गुहार लगा रही है। भीड़ की जांच कभी नतीजे पर नहीं पहुंचती, नारों से भटका दिया जाता है। ABBP और वामपंथी संगठनों ने पुलिस को अर्जी दी है। दोनों ने अपने अपने विरोध प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली है तो इतना कुछ हो भी गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को इसलिए निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने निवेदिता मेनन को बोलने के लिए बुलाया, कुछ नहीं हुआ। उनके खिलाफ जो बातें कही गईं, जो निलंबन हुआ उस प्रोफेसर का, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। निवेदिता मेनन ऐसा क्या बोल देती कि जिससे भारतीय गणतंत्र की बुनियाद ही हिल जाती? क्या हम इतना कमजोर हो गए और कब से इतना कमजोर हो गए? अब आप दोनों पक्षों को सुन लीजिए, ABBP को भी और छात्रों को भी, वो इस घटना के बारे में किस तरह से बता रहे हैं। रामजस कॉलेज छात्र संघ ने भी इस सेमिनार का विरोध किया है। हम लोग जैसे पहुंचे हैं वहां पर गेट की तरफ, हम लोग खड़े हैं तो पीछे से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व हिंदू परिषद और RSS का स्टूडेंट विंग है, ये स्टूडेंट पीछे से आते हैं और हम लोगों को बाल पकड़कर नीचे गिराया जाता है। पुलिस वहां पर, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पुलिस केवल वहां पर मूक दर्शक नहीं बनी हुई थी, पुलिस ने उन लोगों को रोकना तो दूर, हमें बचाया भी नहीं जब हम लोगों को मारा जा रहा। उन्होंने हमें चप्पल दिखाई, हमारे ऊपर थूका, उसका विरोध हम यहां पर करने आए थे। हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया, हमारे नहीं है। मेरे साथ इंग्लिश विभाग के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रशांतो मुखर्जी, प्रशांतो, उनको इतना ब्रूटली मारा गया, मुझे बाल पकड़कर गिराया गया और मुझे लात लात मारी गई और दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी उनको रोकने का काम भी नहीं किया गया। हम लोग जब मार्च के थ्रू अब यहाँ आने की कोशिश की है, हम पे पत्थर फेंके गए हैं, हम पे ईंटें फेंकी गई हैं, हम पे अंडे फेंके गए हैं, हम पे जूते फेंके गए हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ, उल्टा उन लोगों ने डस्टबिन हमारे ऊपर फेंके हैं, उन लोगों ने गंदी गंदी गालियां हम लोगों को दी हैं, ऊपर से चेयर हम लोगों के ऊपर फेंकी है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन है। मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा कि एक ही मतलब एक और 22 साल का लड़का जो मेरे जितना है वो दूसरी तरफ खड़ा है और मुझे जानता नहीं है पर मुझे मार रहा है वो। उसके अंदर आज उमर खालिद और कल सईद रशीद का प्रोग्राम था, तो बेसिकली जो रामदास के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को अप्रोच किया उन्होंने कि भैया ऐसे ऐसे ये है, इसके ऊपर सेडिशन का चार्ज है और हम इसको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम ये बात को प्रिंसिपल के पास लेके ऐसे तक वहाँ पे गए, तो वहाँ पर फिर उन जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर कह रहे कि नहीं ये तो आएगा आएगा आएगा, तो उसको देखते हुए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। प्रिंसिपल सर ने खुद आगे कहा अराउंड 11:30 टिल 12 तक वो कैंसिल हो गया था। फिर अराउंड 1:30 के करीब जो जितने भी ये यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर जमा थे या उनकी सपोर्ट में थे, उन्होंने अपनी एक रैली निकाली। वही जो JNU में नारे लगे थे वही हमारे कॉलेज के अंदर नारे लगाए गए कि हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। तो बेसिकली जो नॉर्मल रामदास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसका विरोध किया और फिर उन्होंने उधर से उनके ऊपर थोड़ा बहुत स्टोन वगैरह जो भी मेरे को सुनने में आया है। आपकी और मेरी आइडियोलॉजी में अगर फ़र्क है तो मेरे कुछ कहने पर आप मेरे को स्लोगनियरिंग कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। वायलेंस किसी भी चीज़ का आंसर नहीं होता है, डिबेट और डिस्कशन आंसर होता है हर एक चीज़ का। आपको खुद तय करना होगा कि किसका जवाब ज़्यादा मासूम है, प्यारा है, स्वीट है और क्यूट है। यही समझने की एक चीज़ है, भीड़ और हल्ला हो जाने के बाद आपको पता नहीं चलता कि किसने क्या किया। मूल सवाल से सब भटक जाते हैं और फिर बात JNU पर पहुंचती है, फिर कश्मीर पर जाती है, वहाँ से लौटकर देशभक्ति और देशद्रोह पर आ जाती है। इन बातों के जरिए मारने वालों को बचा लिया जाता है या फिर आरोप लगाने वालों को उलझा दिया जाता है। सिर्फ नारे सुनाई देते हैं, मारने वालों को इन नारों के सहारे बचाने की कोशिशें नजर आती हैं। JNU का जिक्र हुआ है तो लगे हाथ बता देते हैं, पिछले साल फरवरी की घटना थी, कितना बवाल हुआ था। सारा काम छोड़कर मीडिया और राजनीतिक दल आपस में भिड़ गए। जिस मुद्दे को लेकर अभी और इसी वक्त फैसला हो रहा था वो अब कहां है पूछिए तो। आरोप क्या था? आरोप था कि भारत विरोधी नारे लगाए गए JNU में। बसंत विहार थाने में मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस इन मामलों में आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। तो क्या यह मामला सिर्फ मीडिया की रातों के लिए ही संवेदनशील था?
क्या आपके भीतर जुनून पैदा करने के लिए था कि आप तथ्यों तर्कों से सोचना छोड़ दीजिए, भावनाओं के उबाल में बह जाइए और एक तरफा फैसला कीजिए। फिर कुछ महीने बाद इसी तरह का टॉपिक किसी और जगह पर उठता है, उठाया जाता है, उस बहस में उसी जेएनयू की घटना का नाम लिया जाता है। एबीवीपी को इस बात को लेकर जोरदार प्रदर्शन करना चाहिए कि एक साल हो गए, देशद्रोह के मामले में आरोप पत्र दायर क्यों नहीं हुआ। आईसा को भी करना चाहिए। क्या हम देशद्रोह के मामले में इतने ढीले हो सकते हैं? क्या सारी राष्ट्रभक्ति सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के लिए है? आपको यह भी बता दें कि एक साल पहले के तीनों आरोपी नियमित बेल पर हैं और जेएनयू के शिक्षकों ने राष्ट्रवाद पर जो खुला लेक्चर दिया था वो अब किताब की शक्ल में आ गई है, जिसका नाम What the Nation Really Needs to Know है। 243 रुपए की किताब हार्पर कोलिंस ने छापी है। व्यापम घोटाले में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 634 छात्रों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया, इनकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो। क्यों किया? क्योंकि इन छात्रों ने भी सिस्टम का फायदा उठाया, गलत तरीके से एडमिशन लिया या एडमिशन लेने में किसी की मदद की। सिस्टम से जुड़े लोगों ने इन छात्रों के जरिए करोड़ों कमाए। क्या आपने किसी भी दल के छात्र संगठन को 634 मेडिकल छात्रों को शिकार बनाने वाले सिस्टम के खिलाफ भारत माता की जय या लाल सलाम के नारे लगाते देखा है? रोजगार के सवाल पर किसी को आग उगलते देखा है? प्राइम टाइम में आप जो स्क्रीन पर इमारत देख रहे हैं उसका जो हिस्सा देख रहे हैं वो रामजस कॉलेज की इमारत है। पहला भाषण उमर खालिद का सुनवाता हूं। उमर खालिद बेल पर हैं, एक साल से आरोप पत्र नहीं बना है, ना ही ट्रायल हुआ है, तो क्या आप उसे सजा याफ्ता मान सकते हैं? उमर खालिद बस्तर में आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन पर पीएचडी कर रहे हैं, वहां रामजस कॉलेज में बोलने नहीं दिया गया। चूंकि अब यहां कॉलेज बन गया है तो उन्हें सुनाते हैं कि अगर मौका मिलता तो वो क्या बोलते और इससे आपका क्या बिगड़ जाता। जब हम आदिवासी इलाकों में जो युद्ध चल रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं, एक इतिहास का छात्र होने के बतौर ये युद्ध बहुत पुराना है। ये युद्ध कुछ ऐसा नहीं है जो पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ, इस सरकार से शुरू हुआ या पिछली सरकार से शुरू हुआ। अगर आप देखें, जब से अंग्रेज़ आए हैं, जब से इस युद्ध को अलग अलग तरीक़ों से लड़ा जा रहा है। और आज जब हम आदिवासी विषय में बात करते हैं, अगर आप सरकार के रिपोर्ट्स को देखें तो वो हमेशा इसको एक माओवादी समस्या, नक्सल समस्या के बतौर पोर्ट्रे करना चाहता है। अगर आदिवासी विद्रोह को देखें तो जब से माओवादी पार्टी बनी नहीं, उसके पुराना है ये विद्रोह। तो इस विद्रोह को हम कैसे समझेंगे? अगर आप एज ए हिस्टोरियन व्हेन आई लुक एट द आर्काइव, अंग्रेज़ इस इलाके को, आदिवासी लोगों को एक तरीके से देखते थे। इन 200 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर आज भी आप बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी मैनुअल्स और काउंटर इंसर्जेंसी डिस्पैचेस उठा के देखें तो इसी किस्म से, इसी स्टीरियोटाइप से उन आदिवासी इलाकों को देखा जाता है। मुझे याद है 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आया था जो अबुजमार्ग बोल के एक जगह है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ CRPF ने जाके पहला ऑपरेशन लिया। उस पहले ऑपरेशन को इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट, अगर वहाँ सेमिनार होता तो मैं एग्जैक्टली वो कोट कर पाता, जो सेमिनार नहीं हुआ, वो रिपोर्ट ये बोलता है कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ इंसानों के 12 सिंह लगे हुए हैं, और ये CRPF बोल रहा है। तो ये स्टीरियोटाइप, इस तरीके से देखना, ये सब कुछ जारी रहा है। एक कोशिश है कि जो कुछ बस्तर में हो रहा है उसको बस्तर तक अंदर ही रखा जाए। एक कोशिश है कि जो कुछ आदिवासी के गाँवों को जलाना, वहाँ फर्जी इनकाउंटर की रिपोर्ट जो NHRC तक ने रिकग्नाइज़ की है, मास रेप जो हुए हैं, इन सब चीज़ों को बाहर ना आने दिया जाए। इसलिए आज आदिवासियों के साथ साथ ये जो काउंटर इंसर्जेंसी का एक हाइड्रा हेडेडनेस है वो कुछ बहुत सारे लोगों पे बढ़ गया है। वहाँ जर्नलिस्ट पे हमला किया जा रहा है, वहाँ पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है, वहाँ लॉयर्स पे हमला किया जा रहा है, वहाँ एक्टिविस्ट पे हमला किया जा रहा है, और ये कोशिश है कि इन आवाज़ों को बाहर ना निकलने दिया जाए। ये जो शब्द है कॉन्फ्लिक्ट, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को समझें, ये कॉन्फ्लिक्ट से हम क्या समझेंगे? कॉन्फ्लिक्ट के दो तरीके हो सकते हैं समझने के। एक जो एक स्टेटिस्ट तरीका है, जो राज्य जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को देखता है कि कुछ बुरे लोग हैं, कुछ आतंकवादी हैं जो हमारे देश का इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे वो खतरा है, और उनके चलते ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो हमको पुलिस को भेज के, पैरामिलिट्री को भेज के, आर्मी को भेज के पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। एक दूसरा व्यू है कॉन्फ्लिक्ट को लेके, एक दूसरा रीडिंग कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो सिविल सोसाइटी में लोग चर्चा करते हैं कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं सरकार की जो इन इलाकों में लागू नहीं हो पा रही, और उन चीज़ों के चलते वहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँच पा रहा, उसके चलते ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और सरकार को एक सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच रखना चाहिए कि वहाँ डेवलपमेंट भी लेके जाना चाहिए और साथ साथ वहाँ पुलिस ऑपरेशंस भी करने चाहिए।